भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। बहुत सारे लोगों को अयम्बिल का तब होगा, होगा ना? जरा भाइयों में अयम्बिल किसी किन किन को है जरा उंगली खड़ी कर देना। अयम्बिल किसको है? होली चल रही है, बहुत अच्छी बात। चलो इन नौ पद के दिनों में एक अयम्बिल तो किया होगा या करने वाले होंगे ना। जिन्होंने एक किया वो उंगली खड़ी कर दे, बहुत अच्छी बात। अब एक करने वाले हैं वो खड़ी कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार भले आपने अयम्बिल किया या ना किया, लेकिन आपको पता है कि जब भी अयम्बिल होता है उसमें दूध लिया जाता है, दही लिया जाता है, घी लिया जाता है, तेल लिया जाता है, गुड़, चीनी, शक्कर, कुछ नहीं। आपको पता है बिल्कुल लूखा। और आप जब पचखांड लेते हो तब मन से संकल्प करते हो कि यह अयम्बिल मैं बिल्कुल सफल करूंगा। छोटे बच्चे की तरह आपको ऐसा नहीं किया जाता है कि चलो तीन नौकर गिन लो और जब तक भूख ना लगे तब तक अयम्बिल ही करना। शाम को यदि भूख लग गई तो माँ क्या करेगी, चलो तुझे पचखांड नहीं दिया है खा ले। जरा बोलना, आप तो बड़े लोग हो, जब भी आपने अयम्बिल का पचखांड किया सरदर्द हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ? चाय के हिसाब से सरदर्द हुआ होगा। तो भी आपने अयम्बिल का पचखांड तोड़ा था? नहीं तोड़ा। ऐसी कुछ कोई वस्तु नहीं ली कि जिससे हमारा अयम्बिल टूटे। तो मेरा ये कहना है, अयम्बिल के अंदर जो भी सिद्धांत है उसका हम पालन करते हैं। अयम्बिल में हम रात को नहीं खाते, अयम्बिल में बार बार नहीं खाते, अभक्ष्य नहीं खाते, जमीन कंद नहीं खाते। अयम्बिल में हम फ्रीज में रखी हुई कोई वस्तु नहीं खाते, सचित वस्तु नहीं खाते, बराबर है? तो अयम्बिल किया वो भगवान के साथ रिस्पेक्ट था कि रिलेशन था। जल्दी बोलना, अयम्बिल किया वो महावीर के साथ रिस्पेक्ट था कि रिलेशन था? रिलेशन। जरा आगे की बात सुनो, बाद में बोलो। अयम्बिल में तो आपने सभी सिद्धांतों का पालन कर दिया, लेकिन जब आप छूटे थे कोई बंधन नहीं था, ना उपवास ना अयम्बिल। जरा बताना, जब छूटे थे तब रात को नहीं खाते हो ना? हाँ, जमीन कंद नहीं खाते हो ना? हाँ, अभक्ष्य नहीं खाते हो ना? जरा बताना, होटल में नहीं जाते हो ना? हम ठंडा लेते हैं, बाजार का लेते हैं, वासी लेते हैं, जमीन कंद खाते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, रात को खाते हैं। और अब तो मैंने सुना है इन लोगों को भी अब काम करने की तमन्ना कम हो गई है, अब उनको धर्म करने की तमन्ना बढ़ गई है। तो दोपहर को भी कभी कभी बाटी बनानी उनको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करेंगे? स्विगी में ऑर्डर दे दो। हमने स्विगी में ऑर्डर दे दिया, जोमैटो में ऑर्डर दे दिया, उबेर इट्स में ऑर्डर दे दिया। जरा बताइए, आपके घर के अंदर कभी अमूल का दही और छाछ आती है कि नहीं आती है? जरा पूछो तो सही जाके, कितने दिन पुराना, कितने दिन का वासी वह दही होता है, छाछ होती है। अब मुझे बताइए, अयम्बिल जरूरी है कि रात्रि भोजन का त्याग जरूरी है? मुझे बताइए, सिद्धि तब जरूरी है कि होटल का त्याग जरूरी है? मुझे बताइए, श्रेणी तब जरूरी है कि जमीन कंद का त्याग जरूरी है? और मुझे बताइए, महीने के उपवास जरूरी है कि वासी भोजन का त्याग जरूरी है? हम जो भी तपश्चर्या करते हैं वह रिस्पेक्ट। और महावीर ने जो बताया इनका त्याग करते हैं वह रिलेशन है। बताइए,
भोजन के बारे में भगवान महावीर के साथ रिस्पेक्ट है या रिलेशन है।